अगर आप एक डॉग लवर हैं और अपने घर के लिए एक वफादार साथी लाना चाहते हैं और किसी दोनों असलों के बीच कंफ्यूज हैं, तो आप हमारे चैनल पर वर्सेस सीरीज देख सकते हैं जो आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आज इस वीडियो में हम दो एपिक डॉग को कंपेयर करने वाले हैं और ये वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू बन रही है। रियल टाइम इवेंट्स कुछ और हो सकते हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉबरमैन वर्सेस बॉक्सर। डॉबरमैन एक अलर्ट, लॉयल और फियरलेस डॉग होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है और डॉबरमैन AKC के हिसाब से 5-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। वहीं बॉक्सर एक एक्टिव, ब्राइट, फन और लविंग होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन भी जर्मनी से है। बॉक्सर AKC के हिसाब से 4-स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स के ऊपर। पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल को लोगों तक आसानी से पहुंचा देती है और लोग उस नस्ल को आसानी से जान पाते हैं। बॉक्सर 14th मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है, वहीं डॉबरमैन 16th मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। रैंक में बॉक्सर आगे निकल जाता है। टोटल अटैक्स। डॉबरमैन अपने टेम्परामेंट को लेकर ज्यादातर कूल देखे जाते हैं। 2005 से 2007 तक डॉबरमैन ने 6 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 10 पर आता है। वहीं बॉक्सर अपने टेम्परामेंट को लेकर पेशेंस और प्रोटेक्टिव होते हैं। 2005 से 2007 तक बॉक्सर ने 7 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 9 पर आता है। अटैक्स का मार्जिन बहुत कम है, इसलिए दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं। बाइट फोर्स। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। डॉबरमैन एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड होने के साथ 228 PSI जनरेट कर सकता है। वहीं बॉक्सर भी एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड होने के साथ 230 PSI जनरेट कर सकता है। PSI मार्जिन बहुत कम है, इसलिए दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं। वैसे हमने डॉग बाइट फोर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। एनर्जी लेवल। डॉबरमैन वर्किंग डॉग होने के साथ एक हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है जिसे AKC के हिसाब से एनर्जी लेवल में 5-स्टार रेटिंग मिला हुआ है। वहीं बॉक्सर भी एक वर्किंग डॉग ब्रीड होने के साथ हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है जिसे AKC के हिसाब से एनर्जी लेवल में 5-स्टार रेटिंग मिला हुआ है। विद स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। डॉबरमैन स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते हैं और बच्चों के साथ ठीक तरह से रह लेते हैं। वहीं बॉक्सर भी स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते हैं और बच्चों के साथ आसानी से ढल जाते हैं। वैसे ये दोनों ही ब्रीड लार्ज साइज डॉग ब्रीड हैं, तो बच्चों के साथ रखते समय इन पर नजर रखने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि इनका बड़ा आकार बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। एक डॉग हमेशा अपनी समझ से लोगों के बीच अलग पहचान बनाता है ताकि जिस काम के लिए उसे पहचान मिली है वो उसे ठीक तरह से पूरा कर सके। 2022 की रैंकिंग के हिसाब से बॉक्सर इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नहीं आता और AKC के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 साल होता है। वहीं 2022 की रैंकिंग में डॉबरमैन 5th इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होने के साथ AKC के हिसाब से इसका लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 साल होता है। साइज एंड वेट। बॉक्सर की हाइट 23-25 inches तक होती है और इसका वजन 30-35 kg तक हो सकता है और ये लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। वहीं डॉबरमैन की हाइट 26-28 inches तक होती है और इसका वजन 35-45 kg तक हो सकता है और ये भी लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों ही ब्रीड्स को रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि इनकी एनर्जी ठीक तरह से चैनलाइज की जा सके, क्योंकि ये दोनों ही नस्लें वर्किंग डॉग ब्रीड होने के साथ हाईली एनर्जेटिक भी हैं। हम आपको फिर से याद दिला दें, ये वीडियो स्टैटिस्टिकल डेटा पर बेस्ड है, रियल टाइम इवेंट्स और आपका निजी अनुभव अलग हो सकता है, तो जो भी आपकी राय है वो आप हमें कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।